स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। आज है 14 मार्च सन 2023 और आज के इस वीडियो में हम आप सभी को CUET UG 2023 से रिलेटेड एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, वो अपडेट आप सभी को मिलने। तो मैं आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि यदि आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारी अपडेट यहीं पर मिलेगी लगातार, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। देखिए यहाँ पर आपका जो है एक न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसमें लिखा है CUET नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने CUET में किए बदलाव, जर्नल टेस्ट में देने होंगे सिर्फ 50 प्रश्नों के आंसर। तो चलिए पूरी खबर को विस्तार से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं इसके संगठक कॉलेजों में स्नातक में प्रवेश कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET के जरिए होगा, यह नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अर्थात NTA कराएगी। CUET 2023 की आवेदन प्रक्रिया 9 फरवरी से शुरू है और आवेदन पत्र को 30 मार्च रात 9:50 तक आपका भरा जा सकता है। NTA ने इस बार प्रवेश में अहम बदलाव किया है, उसी के बारे में यहाँ पर आपको बताया जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि तीसरे खंड यानी जनरल टेस्ट में अब 50 प्रश्नों के ही उत्तर देने होंगे, जबकि पिछले साल इसमें 75 में से 60 प्रश्नों का उत्तर देना था। इस बार 10 कम प्रश्नों के जवाब देने होंगे। स्नातक प्रवेश परीक्षा में 3 खंडों से प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला भाषा का होगा जिसमें प्रत्येक भाषा के 50-50 क्वेश्चन होंगे, 40 प्रश्न का उत्तर देना होगा। इसके लिए 45 मिनट आपको दिया गया है, ठीक। और इसके बाद आगे लिखा है कि 1 अप्रैल से आपका जो है एक से तीन अप्रैल तक आपका जो है फॉर्म का संशोधन होगा, जो कि आपका जो 30 मार्च लास्ट डेट रखी गई है उसके बाद जो आपका 1 से 3 अप्रैल होगा उसमें आप अपना फॉर्म संशोधन कर सकते हैं। तो आप ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद। वंदे मातरम।